में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब कमाड़ थाना क्षेत्र के बासुकोचा जंगल से पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है और पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के दौरान जंगल से 5 किलो का एक केन बम, 2-2 किलो का दो सिलेंडर बम, 7.26 एमएम की 102 कारतूस, नक्सली वर्दी, नक्सली साहित्य और पिट्ठू बरामद हुए हैं। इसी महीने 7 जनवरी को भी मुरहू के कोयंझोर जंगल से सुरक्षा कर्मियों ने हथियार का जखीरा बरामद किया था। इससे पहले लातेहार और गढ़वा में भी सुरक्षा कर्मियों को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी थी। सुरक्षा कर्मियों की सफलता बताने के लिए काफी है कि राज्य में नक्सलियों की पकड़ कमजोर हुई है और जल्द ही राज्य को नक्सलवाद की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है।